नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत बहुप्रतीक्षित विज्ञप्ति के बारे में आप सभी इंतजार कर रहे थे, उसी के बारे में सूचना देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। और वह आपकी जो विज्ञप्ति है वह है उत्तर प्रदेश आपकी पीजीटी और टीजीटी शिक्षक की। जी हाँ, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 9 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और अगले 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 9 जून से शुरुआत हो चुकी है। आइए बात करते हैं पदों की संख्या पिछली बार और इस बार कितनी जो है कम रह गई। इस बार थोड़ा सा पदों की संख्या आपकी कम की गई है। उस दिन जब हम लोगों ने जो है कोर्स के बारे में, संचालन के बारे में आपको जानकारी दी थी, उसी दिन मैंने आपसे यह जिक्र किया था कि इस बार कोर्स कम हो सकते हैं, जो है सीट कम हो सकती है। तो कितने पद रहे हैं इस बार, अभी विज्ञापन आपका अभी अभी जारी हुआ है, ठीक है। साइट भी शायद क्रैश कर गई है, इतने सारे लोग उस पर लगातार विजिट कर रहे हैं। तो ये 2022 का है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक आपका टीजीटी का विज्ञापन है। इसमें 9/6 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी 9/7 है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पार्ट टू की है। ऑनलाइन जो आवेदन रजिस्ट्रेशन की आपकी अंतिम तिथि है 3/7 तक, भैया इसमें गलती मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस सबमिट और उसके बाद फाइनल, ठीक है। तो 9/7 को फाइनल होना है, 3 तारीख तक, 3 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट वन है, उसके बाद फीस सबमिट की 6 तारीख है और 9 तारीख आपकी लास्ट डेट है। इस बार बात करते हैं कि कितने पद आखिर आए हैं। तो पदों के बारे में पहले ही आपकी कहीं ना कहीं एक चीजें निकल के आ रही थी कि इस बार पदों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा कम होगी। तो 3,539 पद टीजीटी के लिए जो है इस बार निकाले गए हैं, 3,539 पद टीजीटी के लिए निकाले गए हैं। वहीं पीजीटी में देखा जाए तो पीजीटी में ये पद दरअसल थे ज्यादा, 4,000-4,500 पद के करीब थे, लेकिन पिछली बार के जो ज्वाइनिंग वाले बचे हुए बच्चे थे 800 या 1100 के करीब, उनको ये सीटें आवंटित करने के बाद जितने रिक्तियां बची उन रिक्तियों को जारी किया गया है, ठीक है। सीटें ज्यादा थी, 5,200 या 5,300 के करीब वैकेंसी आनी थी, लेकिन उसमें कटौती पिछली बार वाले ले गए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अब इसमें बात की जाए कि कितनी कितनी सीटें किन किन विषयवार जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कितने कितने शिक्षक हैं। भैया इस बार आपका जो है, जो लोग पिछली बार हुए नहीं है वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाइए। संस्थान के द्वारा कोर्स भी आपका चलाया जा रहा और उस कोर्स में जो है क्लासेज अभी आपकी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्लासेज आपकी कल से प्रारंभ हो जाएंगी। तो जिन्हें एडमिशन लेना है बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर सारी चीजें हैं, आप सारे लोग परीक्षा प्लस ऐप के द्वारा जो है डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और फी आपकी न्यूनतम शुल्क में 899 में आपका टीजीटी और 1199 में पीजीटी, ठीक है। 4,000 का कोर्स, 6,000 का कोर्स जहां मिल रहा वो 899 रुपए में और 1199 रुपए में, बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ सारी चीजें दी जा रही। अगर इसमें सीटों की बात की जाए तो यह तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, सीटों की चर्चा की जाए कि सीटें कितनी क्या रहेंगी, आवेदन शुल्क वगैरह आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, जनरल के लिए 700 और बाकी चीजें 750 आपको जमा करनी, 50 रुपए ले रहा बाकी सभी की जो है, सबसे ज्यादा जनरल की, अन्य चीजें आपकी कम होती चली जा रही। थोड़ी सी इसमें यह ध्यान दीजिएगा, जो इसमें आपके रिक्त पद हैं 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को, बाकी आप चाहे जितने बड़े हैं, निचले स्तर तक आप मतलब रिटायरमेंट तक हैं तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए कि आपके किसी भी स्टेट वाले, ध्यान दीजिएगा कि यूपी में किसी भी स्टेट के लिए आपका, ठीक है, जो चीजें रहती है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलता है, अन्य जो है स्टेट के निवासी को नहीं मिलता है। बाकी आरक्षण की जैसी प्रक्रिया है वो उसी अनुसार चलती रहती है। एक्स सर्विसमैन वगैरह इन सबके लिए भी आपका, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, स्वतंत्रता सेनानी जो है आश्रित के लिए सभी, और शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए भी, सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान आपका उसी अनुसार है जैसा कि हर उसमें होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका इस बार ध्यान रखिएगा, जो कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया था उसके अनुसार भी आपको कुछ सीटें यहां देखने को मिलेंगी। अगर इस पर बात किया जाए कि क्या चीजें हैं, तो पहले 125 क्वेश्चन होते हैं, सारे लोग जानते हैं, ठीक है, आपके प्रीलिम्स में सबसे पहला जो पेपर होगा, और 500 अंक होते हैं, मतलब एक ही पेपर होता है, 100 पेपर थोड़े हैं, 500 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है, 4 अंक का एक पेपर होगा और सारे प्रश्न करने होते हैं 2 घंटे के उसमें, ठीक है। एमसीक्यू पूरा का पूरा होता है, मेरिट लिस्ट बाद में आती है, ये चीजें मैं बाद में भी चर्चा करूंगा, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं सीटों की संख्या इस बार कितनी कितनी दी गई है। तो सीटें देखिए, टीजीटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, टीजीटी में सीटें मेल और फीमेल दो वर्ग में डिवाइड की जाती है। मेल के बालक वर्ग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेल ग्रुप में, तो मेल ग्रुप में सीटों की संख्या जो आपकी टोटल है यह 3213 है,
ठीक ठाक पद है, अच्छे पद है। अब इनमें बात की जाए कि किस विषय में सबसे ज्यादा है। लड़कियां दोनों जगह से अप्लाई कर सकती हैं, आप सारे लोग जानते हैं वो मेल फीमेल दोनों में, लेकिन बॉयज के लिए फीमेल में अप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, कुछ ही विषय है जाहे लाऊ है। इंग्लिश के लिए बात की जाए तो जनरल के लिए 275 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 156 सीटें हैं, एससी के लिए 79, एसटी के लिए 511 सीटें अंग्रेजी के लिए है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो अंग्रेजी विषय के लिए सीटें दिख रही। उसके बाद हिंदी की बात की जाए 249 सीटें जनरल के लिए, 125 सीटें ओबीसी के लिए, 89 सीटें एससी के लिए और 1 सीटें एसटी के लिए, 509 सीट आपकी हिंदी के लिए। तो हिंदी अंग्रेजी में अच्छे खासे पद इस बार है। उसके बाद ऐसे ही जो है गणित के लिए भी आपके 508 पद और सामाजिक विज्ञान के लिए भी 337 पद। इसका नोटिफिकेशन आपको उस पर, संस्कृत के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है 264 पद, 157 पद शारीरिक शिक्षा विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू और संगीत वादन, इन सभी को मिलाकर 3213। और वहीं बालिका वर्ग में बात की जाए तो 326 पद आए हैं अलग अलग आपके श्रेणीवार इसमें, इसके नोटिफिकेशन में, जो कि टेलीग्राम पर परीक्षा प्लस के है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर आपको शैक्षिक अर्हता पता करनी है तो आशीष सर ने आपको जो है वीडियो बनाकर सारी चीजें बताई है, वहां से आप देख सकते हैं। पीजीटी के बारे में अगर बात की जाए तो जो पीजीटी का है दोनों की आपकी डेट वहीं से शुरू है, 9 तारीख से शुरू है और 9 जुलाई तक चलनी है। इसमें अगर बात करें तो 624 पद टोटल आए हैं पीजीटी में, कुल पदों की संख्या 624 है, 800 कुछ पद आपके हुआ करते थे लेकिन उनमें से समायोजन में चले गए हैं। ठीक है, जो पद कटे हैं वो समायोजन में कटे हैं। अगर इनके सीटों की बात की जाए कि सीटें किस हिसाब से, बाकी सब कुछ वही प्रक्रिया है जैसा कि आपका टीजीटी वाला है, 21 साल इसमें भी न्यूनतम मांगता है और बाकी आरक्षण आपके उसी हिसाब से चलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो साक्षात्कार आपका रहता ही रहता है पीजीटी वाला, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सीटें आपकी हैं मेल में 549 सीटें हैं और फीमेल अगर वर्ग में देखा जाए तो 75 सीटें हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर आपके इतनी सीटें आती हैं, 624 सीटें देखने को मिलती हैं। और इसमें भी आपके पॉलिटिकल साइंस 30 हो गया, 39 सीटें हो गई, जो है रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान के लिए 38 सीटें हो गई, 47 सीटें जीव विज्ञान, भूगोल के लिए भी 51 सीटें हैं। ठीक है, 62 सीटें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए इसमें भी सबसे ज्यादा पद हैं। ठीक है, उसके बाद 54 सीटें इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, मतलब इस बार पद अच्छे खासे आए हैं। हिंदी में 81 सीट है जो कि आपके सबसे ज्यादा सीट इस बार मेल वर्ग में आपके पीजीटी में साबित होती है, ऐसे ही फीमेल वर्ग में है। तो इसकी जो आपकी लिस्ट है वो लिस्ट टेलीग्राम पर डाल दी जा रही, और भैया कोर्स से अभी भी जुड़ जाइए। उस दिन मैं बोल रहा था कि आप बाद में पछताएंगे, विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। तो 899 में आपको टीजीटी का पूरा संपूर्ण कोर्स नोट सहित और बेस्ट फैकल्टी, उसमें परीक्षा प्लस खिलवाड़ ना आज तक की और ना करेगी। आपके भविष्य के साथ हम कोई दांव नहीं लगाते हैं, जो चीजें आपको दी जा रही ऐसा नहीं है फी न्यूनतम है तो उसमें कोई कटौती है, बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी मिलेंगे लखनऊ के आपके टॉप यूनिवर्सिटीज की। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड काफी ज्यादा आपकी मार्गदर्शन में मददगार होंगी। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपका जो है कोर्स संचालन शुरू है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और वहां से डायरेक्ट आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, इससे संबंधित अन्य जानकारियों के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। कोई भी अगर आपको समस्या होती, नीचे परीक्षा प्लस के नंबर चल रहे हैं 9450006007, 9129697080, इन पर कभी भी कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी जो है दिक्कतें हैं वो हमसे मिल सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आपको इस विषय में लगातार मैं आपसे आगे मिलता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नोटिफिकेशन आ चुका है, खुश हो जाइए और लग जाइए। जय भवानी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।